आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा. हम आजाद है, हम आजाद है, ये आज़ादी कभी मिटने नहीं देंगे, ये आज़ादी कभी मिटने नहीं देंगे. हमारे तिरंगे की शान को, हमारे तिरंगे की शान को कभी छीनने नहीं देंगे, कभी छीनने नहीं देंगे. कोई आँख भी उठा के जो देखेगा हिंदुस्तान की तरफ, कोई आँख भी उठा के जो देखेगा हिंदुस्तान की तरफ, उन आँखों को ये फिर से दुनिया देखने नहीं देंगे, उन आँखों को फिर से दुनिया देखने नहीं देंगे. आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम जुनैद बशीर मुल्ला है. आने वाले 75वें स्वतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ. इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा इस विषय पर कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. किसी भी देश के लिए उस देश का झंडा बहुत महत्वपूर्ण होता है. उस देश का झंडा उस देश की आन बान और शान का प्रतीक होता है. इसी प्रकार भारत का तिरंगा हमारे लिए बहुत मायने रखता है, जो कि हमें गर्व की अनुभूति कराता है. भारत का तिरंगा अपने अंदर से ही अपने इतिहास को समेटे हुए, जो कि सभी का सम्मान है. हमारा भारत देश वर्तमान में विविध जातियों, धर्मों और संस्कृति वाला देश है. इसी प्रकार हमारा तिरंगा भी भाव प्रधान है. तिरंगे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जो कि एकता के सूत्र में परोपकारी भारतीय होने का प्रधान भाव देता है. दूसरे शब्द में कहूँ तो मुझे वह जमीन चाहिए, मुझे वह जमीन चाहिए जिसकी मिट्टी भारत हो, जिसकी मिट्टी भारत हो, और वही आसमां चाहिए, और वही आसमां चाहिए जिसके सर पर लहरता हुआ तिरंगा हो. आज़ादी के 75 सालों को कुछ इस तरह मनाना है. आज़ादी के 75 सालों को कुछ इस तरह मनाना है. देश का गौरव तिरंगा हर घर घर में फहराना है. देश का गौरव तिरंगा हर घर घर में फहराना है. सभी भारतवासियों ने अपने जीवन में तिरंगा जरूर फहराया होगा, खासकर स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की 75वीं स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए, हर घर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया. हर घर तिरंगा अभियान के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना, लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और जनभागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है. हर घर तिरंगा अभियान में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय पूरे जोश से बड़े पैमाने पर भाग ले रहे हैं. हर घर तिरंगा अभियान को सफलता की राह विभिन्न स्थानों से गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह पहले से योगदान दे रहे हैं. जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा और मध्य प्रदेश में मंडला जैसे स्थान हर घर तिरंगा अभियान को लोगों की भागीदारी या जनभागीदारी को प्रतिष्ठित करने का एक प्रतिष्ठित उदाहरण साबित हो रहे हैं. हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य 13 से 15 अगस्त 2022 तक देशभर में झंडे फहराना है. जब जब झोंका हवा का आएगा, जब जब झोंका हवा का आएगा, मेरे घर पर तिरंगा प्यारा लहराएगा, मेरे घर पर तिरंगा प्यारा लहराएगा, मिट्टी की खुशबू यहाँ में दे जाएगा, मिट्टी की खुशबू यहाँ में दे जाएगा, शहीदों के सपनों को भी, शहीदों के सपनों को भी फिर से याद दिलाएगा, फिर से याद दिलाएगा. सभी सरकारी राशन की दुकानों को वितरण केंद्र बनाया गया है. सभी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी और थाना भवन, और सबसे जरूरी हमारे घर ध्वज फहराना अनिवार्य होगा. हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ भी मंत्रणा की जाएगी. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पेरेंट टीचर मीटिंग द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी. प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि ध्वज का अपमान न किया जाए. ध्वज को उतारने के बाद उसे इधर उधर फेंकने के बजाय संभल कर रखे. ध्वज पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए. दूसरे ध्वज को राष्ट्रीय तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराना चाहिए. प्रेरित होकर शहीदों से देश की रक्षा हम करें. आजादी की रक्षा हम करें. आजादी के पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में सफलता ही की है. अतः आजादी का अमृत महोत्सव मनाना हर भारतीय नागरिक के लिए बड़े ही गर्व की बात है. हर घर तिरंगा अभियान लोगों के दिलों में की देशभक्ति को उच्चतम स्तर तक ले जाएगा. अतः हम सभी भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि सरकार की इस मुहिम को अपने सहभाग्यता के साथ सफल बनाए. बस इतनी ही कल्पना कीजिए. स्वतंत्र दिन के शुभ अवसर पर सारी जगह तिरंगे होंगे. इससे ऐसे ध्यान में आएगा कि भारत पहले स्वतंत्र, फिर गणतंत्र, और अब आधुनिक युग विकसित. जाते जाते अंत में बस इतना ही कहूंगा, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है. हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा. नशा है मेरे हिंदुस्तान की शान का. जय जय भारत. धन्यवाद.